इश्क में मरजुआ का पहला एपिसोड आ चुका है। वेल, इस पहले एपिसोड में है क्या और क्या क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल पहले एपिसोड में देखने के लिए मिला कि सबसे पहले दो आदमी आपस में बातचीत करते नजर आते हैं, जिसमें से एक ने हुडी पहनी होती है और दूसरा आदमी मिडल एज का होता है। हुडी वाला आदमी मिडल एज के आदमी को डराता हुआ नजर आता है और कहता है कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो, और वो दूसरा आदमी उसको कहता है कि मैंने वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए और उसकी सर्जरी करवाने के लिए लिए थे, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। जिसके बाद वो हुडी वाला आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी को किसी और पत्नी के साथ ऑपरेशन करते देखना चाहता हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए आदमी कहता है कि नहीं, तुम अब अपनी पत्नी का भरोसा मत तोड़ना और मेरी तुम्हारे ऊपर हमेशा नजर रहेगी। जिसके बाद पाखी की एंट्री होती है और वो अगस्त्या से फोन पर बात कर रही होती है। अगस्त्या उसको कहता है कि मैंने पूरे 7 कॉल करी और तुमने 7 कॉल नहीं उठाई, मतलब अब तुम मुझसे 7 दिन तक नहीं मिल पाओगी। जिस बात का जवाब पाखी इस तरह देती है कि तुम कहीं के प्रिंस नहीं हो कि तुम्हारा फोन आते ही मैं फोन उठा लूं, और इन दोनों की कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद पाखी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि पाखी ने जो इवेंट डेकोरेट किया होता है वो दुल्हन उस शादी के लिए मना कर देती है। तो पाखी अपनी दोस्त को इन्फ्लुएंस करती नजर आती है कि तुम शादी कर लो। जिस बात का जवाब उसकी दोस्त इस तरह देती है कि मैं शादी तो कर लूं, लेकिन दूल्हे की फैमिली मिडिल क्लास है, मुझे अपने सारे सपने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगस्त्या एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी कंपनी का CEO और एक एम्प्लॉय गलत हरकत करता पकड़ा जाता है, जिसके बाद अगस्त्या अपनी कंपनी के CEO और HR को कंपनी से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद अगस्त्या अपने फीमेल एम्प्लॉय से माफी मांगता नजर आता है और कहता है कि हमारी कंपनी में लड़कियों की इज्जत रखी जाती है, अगर कोई भी लड़की किसी के साथ भी अनकंफर्टेबल फील करे तो वो मुझे जरूर बताएं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि पाखी की एक के बाद एक मुसीबत सारी सॉल्व होती नजर आती हैं। जिसके बाद ये देखा जाता है कि पाखी का दुपट्टा जल जाता है और वही अनजान इंसान उसको बचा लेता है। फिर पाखी के पास एक लड़का आता है जिसका नाम राजीव होता है, और वो पाखी से उसका नंबर मांगता दिखता है, और वही अनजान शख्स उसके मुक्का मार देता है। और वो लड़का यानी कि राजीव अपने दोस्त को फोन मिलाता है और कहता है कि पाखी बहुत ही सीधी लड़की है, और तुम देखना आज रात मैं इसके साथ सुहागरात मना लूंगा और तुम्हें पिक्चर्स भी भेजूंगा। और ये बात जैसे ही उस अनजान शख्स को पता चलती है तो वो उसको छत से धक्का देकर मार देता है। जी हाँ, वो अनजान शख्स पल पल पाखी की मदद करता नजर आता है। वेल, आज के एपिसोड में बस इतना ही हुआ था। आगे के एपिसोड्स की डिटेल्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।